धार जिले के कानवन के शासकीय बालक छात्रावास में शनिवार को अचानक 32 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। खाने से पहले बच्चों ने टंकी से पानी पिया था, इसके बाद भोजन किया, तभी अचानक उन्हें घबराहट और उल्टियां होने लगी, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को मिली। सूचना मिलते ही सरपंच भगवत सिंह सोलंकी और सचिव ईश्वर बोड़ाना छात्रावास पहुंचे तथा कानवन थाना प्रभारी कमल सिंह सोलंकी को इन्फॉर्म किया और बच्चों को तत्काल निजी वाहनों से बदनावर शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार जारी है। तो वहीं पूरे मामले की सूचना धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट व SP को मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। धार कलेक्टर ने चर्चा में बताया कि छात्रावास के लगभग 32 बच्चों की फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत बिगड़ गई है, जिनका उपचार जारी है। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि पानी की टंकी में कुछ केमिकल मिलाए जाने की आशंका जताई जा रही है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अगर समय रहते कानवन सरपंच और सचिव बच्चों को अस्पताल नहीं पहुंचाते तो यह बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं हॉस्टल अधीक्षक जगदीश बोरियाला और कैलाश प्रजापति को लापरवाही बरतने के कारण धार सहायक आयुक्त ब्रिजेश पांडे ने तत्काल निलंबित कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिटेड थे बदनावर CFC में, और सभी डॉक्टर्स भी वहाँ पर उपस्थित थे, और डिस्ट्रिक्ट से भी पीडियाट्रिशियन, DHO और बाकी स्टाफ नर्स, बाकी टीम वहाँ पर पहुँच गई थी। सभी बच्चे बताए गए कि वो तो पीड़ित है। सर, आपने जांच पड़ताल की? उसमें जो अभी जो स्थिति सामने आई है, पुलिस भी विवेचना कर रहा है इसमें, और थोड़े बता रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग की वजह से, और बता रहे कि टंकी में जो पानी है उसमें कोई केमिकल पाया गया है, उसमें से डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जो भी उसमें सामने आएगा। और आपका नाम? मैं श्रीकांत बनो, कलेक्टर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।